2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त की बात है। नतीजे घोषित होने से पहले ही जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर गहमागहमी का माहौल था कि तभी तत्कालीन जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत पर ही तय नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री कौन सा होना चाहिए और राजस्थान का सीएम कांग्रेस अध्यक्ष ही तय करेंगे। राजस्थान की राजनीति 2018 के चुनावों से पहले सचिन पायलट की ताजपोशी की चर्चाएं जोरों पर थी और उनका राजनीतिक तिलक होना तय माना जा रहा था। वहीं खाचरियावास उस समय पायलट के लेफ्ट हैंड कहलाते थे और सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। बता दें कि खाचरियावास ने पायलट खेमे से मोर्चा खोलते हुए चुनावों में गहलोत खेमे के नेताओं से सीधी टक्कर ली थी, लेकिन तब से सितंबर 2022 तक राजनीतिक हालात पूरी तरीके से बदल गए थे। वहीं बीते रविवार को जयपुर में हुए सियासी घटनाक्रम में गहलोत के खेमे से मंत्री प्रताप सिंह फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए और धारीवाल के घर पर से स्पीकर जोशी का घर इस्तीफा जाने वाले विधायकों की अगुवाई की है। हालांकि खाचरियावास को लाकमान से ही नोटिस मिला है। रविवार को जयपुर 53 वर्षीय खाचरियावास ने गहलोत समर्थक विधायकों को एकजुट करने की अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि खाचरियावास उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अलाकमान द्वारा बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक को छोड़ दिया था और धारीवाल का घर लामबंद हो गए थे। बाकी अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस अध्यक्ष चुनाव की रेस में सबसे आगे कौन होगा, क्योंकि इस वक्त जो है गहलोत का जो निशाना है और पायलट का जो निशाना है चुनाव को लेकर वो बिल्कुल चूकता हुआ नजर आ रहा है और वहीं खाचरियावास जो है वो सबसे आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप क्या कहेंगे, चुनाव में जीत किसकी होगी किसकी नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं।